दोस्तों, एक हमने ड्राइंग बनाई है। इसका साइज 46 फीट बाई 38 फीट 7 इंची। ये गांव की ड्राइंग है। ये बिहार से एक हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने हमसे ऑनलाइन बनवाया था। देखिए, उनका ये यहाँ पे रोड है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पे रोड है इनका। रोड से भी एक एंट्री इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन ये एंट्री टेम्प्रेरी है। उनका ये हाता है, पूरा उनका खेत है। उनका कहना है यहाँ से वो घुसेंगे, यहाँ से वो घुसने का जगह बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से घुसेंगे और फिर इसके अंदर से ये इनका मेन एंट्री है। अंदर अब जो हम जाएंगे तो इनका ये बरामदा है, 15 फुट 9 इंची बाई 8 फुट का। फिर उसके बगल में आपका ये देखिए 13 फुट 7 इंची का इनका बैठका है, गेस्ट रूम। उसके बाद से यहाँ से इन्होंने एंट्री दिया हुआ है, यहाँ से इन्होंने एंट्री दिया हुआ है। उसके बाद से हम जाएंगे तो इधर पूजा रूम है, पूजा रूम के बगल में जस्ट किचन है, किचन के बगल में एक रूम और है, उसके बगल में ये बाथरूम और लैट्रिन, इन्होंने दोनों एक ही में दिया हुआ है। मतलब उन्होंने मांगा था, जैसे उनका रिक्वायरमेंट था वैसे हमने बनाया है। उसके बगल में ये सीढ़ी है कॉमन दोनों के लिए। अब देखेंगे तो ये अभी ये जो डॉटेड में दिख रहा है ये वाला, ये अभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग दो भाई हैं और फ्यूचर प्लानिंग के साथ इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। हम इसी ये जो सेंटर देख रहे हैं, ये वाला सेंटर, यहीं से हमने मिरर कर दिया है। दोनों सेम हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या होगा, फ़िलहाल में यहाँ से रोड है तो यहाँ से भी एंट्री रहेगा। इसके अंदर बंदा अंदर आएगा। ये किचन है, देखिए ये दो किचन और पूजा रूम है ना, सेम ये भी है, मेरा रह किचन और पूजा रूम। तो अभी फ़िलहाल जब दोनों लोग एक में हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन रोड से अंदर आए और फिर उसके बाद से अपने अंदर घर में घुस गए। इनका बहुत बड़ा हाल है। अगर हाल का साइज़ देखा जाए तो इनका हाल का साइज़ बन रहा है अभी 25 फीट 3 इंची बाई 16 फुट 9 इंची। इनको कॉलम देने की ज़रूरत है, बीच में बहुत ज़्यादा स्पेन है। जब समय पे ज़रूरत पड़ेगा तो उनको कॉलम तो देना ही पड़ेगा। फ़िलहाल हमें नहीं लग रहा है कि ये छत लगाएंगे, ये पूरा खाली रखेंगे, इसलिए इतना स्पेन है। उन्होंने केवल लेआउट बनवाया था, पूरी ड्राइंग नहीं बनाई थी। तो ये देखिए, हमने उनके गांव के लिए नक्शा बनाया हुआ है। ये कैनोपी बनाएंगे, खूब मतलब देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। ये चढ़ने का है, या ये पोर्च निकालेंगे इस तरह से। ये जो देख रहे हैं ये पोर्च है, ये दो कॉलम है जो इन पोर्च को रोकेंगे। और हमने ये मिरर मारा है तो देखिए सेम ही आ गया है। अगर आपको भी अपने घर का नक्शा बनवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये गांव का नक्शा है। गांव का नक्शा और शहर के नक्शे में बहुत अंतर होता है। गांव के लोग कुछ अलग ढंग से नक्शा बनवाते हैं और शहर के लोग कुछ अलग ढंग से। तो हम दोनों जगह के नक्शा मतलब घर का डिज़ाइन करने में एक्सपर्ट है। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। हम तो समझाएंगे ये अच्छा है ये बुरा है और आपकी मर्ज़ी। हमारे नज़र में भी इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन उनको यही पसंद था, तो उनकी ड्राइंग है, उनका घर है, वो जाने। तो हमने उन बनाया हुआ है। इनका एरिया है आपका 26 फीट बाई 38 फीट 7 इंची का। तो ये हमने उनके घर का नक्शा बनाया हुआ है। और आपको भी अगर घर का नक्शा बनवाना हो तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क करें। मेरा चार्ज बहुत कम है, मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करता। और मैं तो यही कहूँगा कि बगैर नक्शा का आप कभी घर बनवाएं ही मत। आपका जो लेआउट है आप हमें दीजिए, मैं एज पर वास्तु आपका बढ़िया से बढ़िया नक्शा बना करके दूंगा। एक बार बनाऊंगा आपका पूरा जीवन सेट हो जाएगा, क्योंकि मैं एज पर वास्तु बनाता हूँ आपको। आप फ्यूचर में ये नहीं कहोगे कि ये गलती हो गई, ये मतलब नहीं होना चाहिए था। वो हम पहले ही एज पर वास्तु अच्छे तरीके से सेट करके हम आपके घर का डिज़ाइन करते हैं। और आप जितना हो सके अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिनको बनवाना है वो हमसे संपर्क करें, क्योंकि मैं ये